नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। सो आज हम यूरोलॉजिक कैंसर के बारे में बात करेंगे। सो यूरोलॉजिकल कैंसर्स दो चार ऑर्गन्स का कैंसर होता है, जिसको हम कंबाइंड टर्म में यूरोलॉजिक कैंसर्स कहते हैं। तो इसमें किडनी कैंसर्स आते हैं, यूरेट्रिक कैंसर्स आते हैं, ब्लैडर कैंसर आता है, प्रोस्टेट कैंसर आता है और टेस्टिकुलर कैंसर्स आते हैं। इन कंबाइंडली इन कैंसर्स को हम यूरोलॉजिक कैंसर्स कहते हैं। सो सबसे पहले अगर हम किडनी कैंसर की बात करें, सो ये कैंसर वो है जो किडनीज़ में बनता है पहले, जो आगे फैल सकता है। सो किडनीज़ क्या है, ये दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स है जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेट के ऑर्गन्स के पीछे साइड वाली होते हैं। ये स्पाइन के दोनों साइड एक एक किडनीज़ होती है, दो साइड में दो किडनीज़ होती है। सो ये किडनी कैंसर्स एडल्ट्स, मेनली एडल्ट्स में होते हैं, बट बच्चों में भी एक फॉर्म ऑफ किडनी कैंसर होता है जिसको हम विल्म्स ट्यूमर कहते हैं, बट मेनली जो होते हैं ये एडल्ट्स में होते हैं, जिसको हम RCC कहते हैं। सो अगर हम देखे जाए, कुछ लास्ट एक दो डेकेड्स में हमने देखा कि किडनी कैंसर्स बढ़ गए हैं काफ़ी। सो उसका वन ऑफ द मेन जो रीजंस है कि अभी सम अदर डिजीजेज़ के लिए हम फ्रीक्वेंटली पेट का CT स्कैन करते हैं, किसी और चीज़ के लिए। तो फिर हम देखते हैं, तो किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे, वहाँ पे देखा किडनी में कुछ ट्यूमर जैसा बना हुआ है, तो फिर जब उसको इवैल्यूएट करते हैं फिर पता चलता है कि वो किडनी कैंसर है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस के लास्ट एक दो डिकेड्स में किडनी कैंसर्स की इंसिडेंस क्यों बढ़ी है। सो ऐसे भी इंसिडेंस, ओवरऑल कैंसर की इंसिडेंस की बढ़ी हुई है, किडनी कैंसर की भी बढ़ी है। सो किडनी कैंसर जब बनता है तो कैसे पता चलता है, क्या होता है इंसान में, मतलब सिम्टम्स क्या है इसके। तो सबसे और अभी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि यूरिन में ब्लड आता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। सेकेंड, पेशेंट को नई बैक पेन स्टार्ट होती है, जो पूरे सेंटर में नहीं होती, थोड़ा सा साइड्स में होती है। सो क्रॉनिकली बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, जो दिन ब दिन थोड़ा ठीक नहीं होती है, बढ़ सकती है। सो अदर सिम्टम्स है लाइक अननोइंगली पेशेंट का वेट लॉस स्टार्ट हो गया, पेशेंट की भूख कम हो गई है, सो वीकनेस हो गई है, टायर्डनेस हो गई है, एंड कभी कभी रेयरली फीवर्स, मतलब अननोन कॉज के फीवर स्टार्ट हो गए। सो दिस इज़ किडनी कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है। सो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो यूजुअली ये ओल्डर एज में होता है। सो दैट मीन्स जितना एक इंसान एज होता है तो किडनी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादा किडनी कैंसर के चांसेस है रादर देन नॉन स्मोकर्स में। फिर जो पेशेंट्स का वेट ज़्यादा होता है, दैट मीन्स मोर ओबीस होते हैं, उनमें भी देखा गया है कि किडनी कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा है। सो दोज पेशेंट्स जिनका क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उनको भी रिस्क हो सकता है किडनी कैंसर का। और अगर कोई किसी को किडनी फेलियर है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी विद टाइम किडनी कैंसर बन सकता है। और कुछ फिर इनहेरिटेड सिंड्रोम्स है जिनमें किडनी कैंसर होता है, या अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी कैंसर की, लगभग कुछ जनरेशन्स में किडनी कैंसर है बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को भी किडनी कैंसर का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। सो फिर कैसे करते हैं, अगर किडनी कैंसर जब तक ये ट्यूमर किडनी के यूजुअली ना ये एक साइड ऑफ किडनीज में, कभी कभी बहुत रेयर इंस्टेंस में दोनों किडनीज में बनता है, बट यूजुअली कैसे ये प्रेजेंट करता है, एक किडनी में ट्यूमर होता है। जब हमने देखा कि लाइक इमेजिंग CT स्कैन और ऑल दोज थिंग्स से उससे पता चल गया कि किडनी में एक ट्यूमर जैसा मास जैसा है जो लग रहा है कि किडनी कैंसर है, तो अगर ये किडनी में ही है और कहीं और फैला नहीं है, तो यूजुअली क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करके उस साइड ऑफ किडनी को या तो पूरी तरह, अगर छोटा है फिर आधा किडनी निकाल के, अगर बड़ा है तो पूरा किडनी निकालते हैं, फिर उसकी जांच होती है ये ट्यूमर किस टाइप का है। तो अगर ये ट्यूमर है किडनी में और दूसरी जगह में भी फैला हुआ है, तो फिर यूजुअली हम ऑपरेट नहीं करते हैं इसको, हम किसी और लाइक सिस्टमिक ट्रीटमेंट, टारगेटेड ड्रग्स होते हैं उससे ट्रीट करते हैं। बट उससे पहले हमें बायोप्सी करना होता है कि ये किडनी कैंसर ही है, बिकॉज ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले एक किडनी बायोप्सी करते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि ये हाँ जी ये किडनी ट्यूमर ही है और कौन सा टाइप है, बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन सा सब टाइप भी है किडनी कैंसर का, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो आजकल जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है कि ऐसे जो फैले हुए किडनी कैंसर में, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो फैला हुआ किडनी कैंसर है वैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट आजकल आता है, बिकॉज जो मेन कीमोथेरेपी होती है बाकी कैंसर्स में, वो किडनी कैंसर में ज़्यादा काम नहीं करती हैं, यूजुअली कीमोथेरेपी नहीं देते हैं इसमें।
तो हम यूजुअली एक टारगेटेड ड्रग्स देते हैं और अभी देखा गया है कि इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करती है किडनी कैंसर्स में। तो यूजुअली हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इन दोनों को साथ में देके इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे देते हैं। ये होता है कि कैसे इलाज करते हैं किडनी कैंसर में जो एडवांस होता है, और कभी कभी ये बोन्स में फैलता है, फिर बोन पेन भी हो सकती है, और अगर ये सिर्फ अर्ली स्टेज में है, लोकलाइज है, तो ऑपरेट करके इसको ट्रीट किया जाता है। थैंक यू। Thank you.